हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब लोग सो so, आप सब लोगों को हमने से तो पता चल गया होगा कि आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं सो so, गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं कीप स्माइलिंग और पेंट्स के बारे में और मैरिज और पेंट्स के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है किसको कौन से चूज करने चाहिए कौन से ज्यादा बेस्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैरिज और पेंट्स की Uh, तो जो मैरिज और पेंट्स होते हैं वो थिक होते हैं कीप स्माइलिंग के मुकाबले में और इनकी हाई क्वालिटी पिगमेंट होती है इसके अलावा ये स्मूथ होते हैं बटरी होते हैं और ये ब्लेंड करने में बहुत ज़्यादा इजी होते हैं ठीक है उसके अलावा ये मिक्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और उसके अलावा ये कैनवास में यूज़ होते हैं बोर्ड पे भी यूज हो सकते हैं पेपर पे भी यूज हो सकते हैं ये जो है लोंग लास्टिंग होते हैं ठीक है इनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है ठीक है और अगर हम कीप स्माइलिंग ऑयल पेंट्स की बात करें तो इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लो प्राइस में अवेलेबल होते हैं और हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है मैं यहाँ पे आपको ये दोनों कलर्स टेस्ट भी करके दिखा देती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी कीप स्माइलिंग ऑयल पेंट तो जब मैंने इसे खोला तो ये पहले खुलने वाला था क्योंकि मैंने ये न्यू परचेज किया है तो सबसे पहले मैं कीप्स माइनिंग और पेंट ऊपर अप्लाई करूंगी ठीक है पहले तो बहुत सारा ऑयल निकला इसे डालते हुए फिर बाद में कलर निकल आया था तो मैंने ये इसके ऊपर अप्लाई किया और फिर इसे अप्लाई करने के बाद मैं दूसरी साइड पे मैंने मैरिज़ को अप्लाई किया मैरिज को अप्लाई करने के बाद आप लोग देख सकते हैं ठीक है इन दोनों का कैसा लुक आ रहा है तो, तो अब मैं इन्हें ब्लेंड करूंगी ब्लेंड करने के लिए मैंने एक ब्रश को यूज़ किया है तो मैरिज को ब्लेंड मैं कर रही हूँ तो आप लोग देख लें लुक भी बहुत अच्छा है और क्रीमी से है ठीक है ब्लेंड बहुत अच्छे हो रहे हैं ठीक है और दूसरी साइड पे मैं कीप स्माइलिंग ऑयल पेन को ब्लेंड करूंगी तो वो भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है, है? आ, इन दोनों में डिफ़रेंट आप लोग देख सकते हैं ठीक है और मेरे ख्याल में अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को कौन से चूज़ करने हैं कौन से ज़्यादा बेस्ट है आप लोगों के लिए ठीक है तो अगर कीप स्माइलिंग की बात की जाए तो आ, कीप स्माइलिंग की जो सी कला स्ट्रेंथ है वो अच्छी है लेकिन मैरिस की ज़्यादा अच्छी है और दूसरी ये है कि ये आ, लो प्राइस में अवेलेबल हैं तो आ, हर कोई इन्हें अफोर्ड कर सकता है और ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आपको कौन से कलर चूज़ करना चाहिए कौन से कलर ज़्यादा बेस्ट हैं ठीक है तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल लेवल पे आपके बजट पे ठीक है अगर आप लोग एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं ठीक है तो आप लोग को ओबियसली मैरिज ही यूज़ करना चाहिए ये गुड ऑप्शन है उनके लिए और अगर आप लोग बिगनर्स हैं अभी आप लोगों ने ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया है तो आप लोगों को आ, तो आप लोगों के लिए कीप स्माइलिंग एक अच्छा ऑप्शन है ठीक है और आप का अगर बजट नहीं है तो आप लोग ये भी कीप स्माइलिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि इनकी प्राइस मैरिज के मुकाबले में लो है ठीक है और ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं और अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन मैरिज ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है कीप स्माइलिंग से और दोनों की फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है ठीक है और मुझे लगता है कि मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया है इन दोनों का डिफरेंस भी बता दिया है और अब अब आप लोगों को पता चली गया होगा कि आपको कौन से चूज़ करने हैं कौन से कलर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए सो so गाइज uh, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी सो so अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरे मेरीज हालत पे मत जाइएगा क्योंकि ये टू इयर्स पुरान है कलर है मेरे सो so गाइज अगर आप लोगों को ऐसी वैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना है तो प्लीज प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बता दें और मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मुझे आप लोगों के स्पोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखनी है तो आप लोग वो भी नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता दें तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पर भी वीडियो ला सकूँ सो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं एक नई वीडियो में